स्वागत है आप सभी के हमारे शजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए धन्यवाद। दोस्तों मेरा नाम है शजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं शजीर भाई गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा होंडा साइन बाइक है, असल में ये बाइक में हुआ क्या, जैसे कि इग्निशन ऑन कर रहा हूँ या हर कोई करंट है बाइक स्टार्ट नहीं होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो बाइक स्टार्ट नहीं होता है, तो इसका रीज़न क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस बाइक का फुल डिटेल्स देने वाला हूँ। सीडी है, इग्निशन लाइन है और रेगुलेटर चार्जर है, तो चलो इस सब का मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। ये सब चीज़ को किस तरह से चेक करें और इसका फायरिंग वगैरह आ रहा है कि नहीं मैं देख रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले मुझे चेक करना है बाइक स्टार्ट नहीं होता है, इसमें करंट आ रहा है कि नहीं। यही स्पार्क प्लग को मैंने खोल लिया और यहाँ कहीं भी बॉडी करके हम टच करेंगे, इग्निशन ऑन करने के बाद यहाँ करंट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं चेकअप करूँगा सीडीआई में जाके, इसका इनपुट ठीक ढूंढ रहा है कि नहीं। तो यह है सीडीआई कॉयल, इसका वोल्ट वगैरह देखूँगा, ग्राउंड देखूँगा, संसार कॉयल देखूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये सीडीआई मेरा ख़राब है या अच्छा है मैं आपको अभी बता देता हूँ, अभी बता दूंगा, नया लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ रेड में एक ब्लैक है, देखो ये रेड में ब्लैक और ये सबूज कलर का, और ये नील कलर पे पीला है और ब्लैक पे पीला है। ये चारों वायर का काम क्या है मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं वोल्ट चेक करूँगा, तो रेड में जो ब्लैक है इसमें वोल्ट चेक करूँगा। तो चलिए मल्टीमीटर पर आपको दिखाते हैं, यहाँ 20 पे किया, अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ देखिए, और यहाँ मैंने रेड पे लगाया और कहीं से भी बॉडी ले लूँगा, जैसे कि यहाँ पे बॉडी ले लिया, देखो मेरा 12 वोल्ट आ रहा है, 12-13 वोल्ट आ रहा है। रेड में जो ब्लैक है इसमें वोल्ट मुझे मिल रहा है, फिर एक बार दिखा दे रहा हूँ, देखो ये 13 वोल्ट आ रहा है, 12-13 वोल्ट आ रहा है। अब मैं आर्थिंग चेक करूंगा, इसका ग्राउंड ठीक आ रहा है कि नहीं। तो ग्राउंड मैं चेक करने के लिए यहाँ पर किया मल्टीमीटर यहाँ पर किया, और ये सब उस कलर का वायर है, ये आर्थिंग है, आर्थिंग आ रहा है कि नहीं मैं देखूंगा मल्टीमीटर में, देखो मेरा शो कर रहा है। तो वोल्ट भी आ रहा है, ग्राउंड भी आ रहा है। अब संसार कॉयल मैं चेक करूँगा, जैसे कि पिकअप कॉयल, तो पिकअप कॉयल मैं यहीं पर चेक करूँगा, जैसे कि यहाँ पिकअप कॉइल पे लगाया और यहाँ पे चेकअप करूँगा। तो दोस्तों मुझे फोल्ट दिखाई दे रहा है, संसार कॉइल नहीं पा रहा है। तो दोस्तों संसार कॉइल का कारण मेरा एक बीमारी हो सकता है, करंट मिसिंग प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये रेड में ब्लैक, ये सबूज और ये संसार कॉइल का वायर, ये तीन इनपुट है और आउटपुट है ये पीला पे ब्लैक। तो तीन चीज़ मैं ठीक नहीं पा रहा हूँ, तो संसार कॉइल मुझे चेक करना पड़ेगा वहाँ में जाके, आर्मीचार में जाके। तो चलो आर्मीचार में जाता हूँ, वहाँ चेक करता हूँ। तो यहाँ संसार कॉइल का जैक है, तो दोस्तों यहाँ जैक खुला हुआ है, ठीक है, ये कोई कारण से खुल चुकी है। तो ये संसार कॉइल का वायर है और ये सीडीआई पे जाता है। तो चलो यहीं से संसार कॉइल को माप लेता हूँ, मेरा संसार कॉइल ठीक है या ख़राब है, मल्टीमीटर में दिखाऊँ। तो संसार कॉइल मेरा ठीक दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये वायर खुलने से मेरा इग्निशन में लाइन नहीं जाता था, ठीक है, अब मुझे वहाँ जाना चाहिए। अब संसार कॉइल को मैं चेकअप करूँगा, यहाँ से मिल रहा है कि नहीं। तो संसार कॉइल भी मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ चार वायर के बारे में बताया, अब ये वायर है, ये कार्बोरेटर का जो संसार है, इशू संसार, उसका कनेक्शन है। ये अगर खुला भी रखे तो बाइक में करंट आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, ये हम लगा देंगे, ठीक है, इस वायर को हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि करंट, इसका करंट भी कोई फर्क नहीं आएगा, ये खुला रहे या लगा रहे। तो चलो मैं करंट वगैरह देख लेता हूँ। देखो चट चट करके
करंट आ रहा है, एकदम करंट आ रहा है। इसका मतलब था मेरा सेंसर कॉइल का फॉल्ट था, और ये जैक मैंने खुला रखा तो भी कोई फर्क नहीं आया। सॉकेट लगा लिया है और प्लग का कैप भी लगा लिया है, अब बाइक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो एक ही किक में स्टार्ट ले लिया है। तो दोस्तों ये जो वायर है पिकअप कॉइल का, ये अगर हम खोल लेंगे तो बाइक बंद हो जाएगा। जैसे कि मैंने खोला, बंद हो गया बाइक। तो होंडा बाइक में ये क्लिप जो होती है, ये लूज होता है, इसको प्लास से चाप देने के बाद टाइट हो जाएगा, और इस वायर के कारण भी बाइक स्टार्ट नहीं लगेगा। और ये जो वायर है, ये वायर है निटोल का, ये खुला रखने से भी स्टार्ट होगा, लेकिन मीटर कंसोल में जो निटोल बॉल है वो नहीं जलेगा खुला रखने से। तो आपको बताया स्टार्ट का जो CDI होता है उसके बारे में, आप बातें करता है रेगुलेटर चार्जर के बारे में। रेगुलेटर चार्जर पर चार वायर है। तो ये चार वायर का काम क्या है, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है। तो ये जो सफ़ेद कलर का वायर दिखाई दे रहा है, वाइट कलर का, ये इनपुट है। ये आर्मेचर कॉइल से आता है और रेगुलेटर चार्जर में घुस जाता है। घुसने के बाद ये जो सबुज कलर का वायर है, ये अर्थिंग है, ठीक है, ये भी घुसता है। घुसने के बाद यहाँ जाता है, जाने के बाद इस रेगुलेटर चार्जर पर वोल्ट को 12 वोल्ट फिल्टर करने के बाद ये जो रेड कलर पे, जो रेड में ब्लैक वाइट है, ये चल जाता है बैटरी चार्जर को देता है, और ये जो पीला कलर का वायर है ये हेडलाइट को देता है, हैंडल बार स्विच को जाता है। तो दोस्तों अगर बैटरी चार्ज ना हो तो सबसे पहले आप इस वाइट कलर का वायर जो है, इसमें आप वोल्ट देखिए 12 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं, और जब वोल्ट नहीं आ रहा है तो आर्मेचर कॉइल को चेक कीजिए, आर्मेचर कॉइल ख़राब है कि नहीं, तो ये भी कारण हो सकता है। और हेडलाइट ना जलने का कारण भी रेगुलेटर चार्जर ही हो सकता है। तो अगर हेडलाइट बॉल नहीं जल रहा है तो आपको चेकअप करना है इस पीला वायर पे, वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं स्टार्ट मारने के बाद। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब रेगुलेटर चार्जर ख़राब है, लेकिन आप उससे पहले आपको यहाँ पर वोल्ट देखना पड़ेगा। इनपुट अगर दोनों ठीक रहे, जैसे ग्राउंड और वोल्ट, तो आउटपुट दोनों में निकलना चाहिए, ये रेगुलेटर चार्जर ठीक रहे तो। तो दोस्तों आपको बताया जो रेगुलेटर चार्जर किस तरह से वर्क करता है। अब मैं आर्मेचर कॉइल के बारे में कुछ बात जानकारी दे देता हूँ आपको। दोस्तों ये आर्मेचर कॉइल का जैक है, इसमें तीन वायर है। तो तीन वायर का काम क्या है, ये तो आपने देखा, आप लोगों ने देखा ये सेंसर कॉइल है, ये अगर खुला रहे तो बाइक स्टार्ट नहीं होगा। अब जैसे कि बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, हेडलाइट नहीं जल रहा है, तो ऐसा सिचुएशन में आपको ये जो वाइट कलर का वायर है, यहाँ एक वायर भरिए इसमें और इंजन में टच करिए, अगर ये शो कर रहा है तो आपका मतलब ये आर्मेचर कॉइल भी ठीक है। तो मल्टीमीटर से हम लोग किस तरह से मापे, आर्मेचर कॉइल को, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि मल्टीमीटर को मैंने यहाँ पर किया और वाइट कलर का वायर पे ये लगाया, और बॉडी लगाने से भी होगा, देखो मल्टीमीटर मेरा काम कर रहा है, और यहाँ लगाने से भी मेरा काम करेगा मल्टीमीटर, देखो। तो मल्टीमीटर से भी ये चेकअप करा जाएगा, अगर ये आर्मेचर कॉइल जो होती है अगर बीच में कहीं कट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, जल जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, तो यहाँ शो नहीं करेगा, इस तरह से शो नहीं करेगा दोस्तों। तो अगर शो नहीं कर रहा है मल्टीमीटर, यहाँ वोल्ट नहीं आ रहा है, तो आर्मेचर कॉइल आप चेंज कीजिए, हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों अगर इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक के साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ और आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। आप लोग कमेंट कीजिए किस तरह का वीडियो चाहिए, मैं आपको बताऊँगा। और एक बात आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, आज बृहस्पतिवार है, तो शुक्रवार के दिन हम लोगों का घर में मेरे छोटा भाई का शादी है, तो हम लोग 3 दिन शॉप पर नहीं आएंगे, तो आप लोगों के साथ भी बातें नहीं होगा दोस्तों, इसीलिए क्षमा चाहता हूँ, पहले से ही बोल देता हूँ। तो दोस्तों हम सोमवार के दिन वीडियो छोड़ेंगे, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।